नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, नया टॉपिक ज्योग्राफी का ही है, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस जो है मुझे थोड़ा जल्दी करना है खत्म। ठीक है, उसको फटाफट खत्म कर देंगे तो एक बार आपका इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं हिस्ट्री कम्प्लीट करा दूंगा। मेमोरी ट्रेनिंग की क्लासेस तो चली रही है, तो आप मेमोरी ट्रेनिंग से जुड़े रहे। अगर आपको पता नहीं है मेमोरी ट्रेनिंग की क्लासेस मैंने स्टार्ट की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे जाएंगे आप, मेरे चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहां पे मेमोरी ट्रेनिंग करके एक प्लेलिस्ट एक दिखेगा। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए। और वो मेमोरी ट्रेनिंग में क्यों दे रहा हूँ, मेमोरी ट्रेनिंग इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमको जो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स इतनी सारी चीजें हमको याद करनी पड़ती है कि उसको बार बार भूल जाते हैं, फिर भी याद करते फिर भूल जाते हैं। बट मुझे मेरे पास कुछ टेक्निक्स है जिसको मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ उसी मेमोरी क्लास में। और एक बार आपने उस चीज को मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस को देख लिया, दोबारा जो चीजें मैं बताऊंगा दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं वहां पे टेक्निक्स बताऊंगा, वहां पे याद नहीं करना है, उन चीजों को समझना है। ये सब जितनी चीजें मैं लिखता हूँ आप इनको समझ सकते हैं, ना कि याद कर सकते हैं, एक स्टोरी के रूप में अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मूवी हमारे माइंड में सेट हो जाती है उसी तरह से मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर आप वहां पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज वहां पे जाके आप देखिए पहले उस चैनल उन वीडियो को। ठीक है, फिर डिसाइड कीजिए कि मुझे यहाँ पे रहना है या जाना है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मुझसे जुड़े नहीं है बट मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, चलिए, तो मैंने ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है रॉक्स, चट्टाने। ठीक है, भारत में कौन कौन सी चट्टाने, ये महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया था ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद के जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स होंगे वो फटाफट कवर होंगे। ठीक है, तो ये इसमें से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठा दिया। ठीक है, तो भारत में कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भारत में कितने टाइप्स की चट्टाने पाई जाती हैं, टोटल 6 प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। कितने प्रकार की चट्टाने भारत में पाई जाती हैं, 6 प्रकार की चट्टाने पूरे भारत में पाई जाती हैं। आइए उनके नाम देख लेते हैं, उनके नाम क्या है, आर्कियन फॉर्मेशन। ठीक है, आर्कियन फॉर्मेशन जिसको प्री कैम्ब्रियन भी बोला जाता है, धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ चट्टाने भी बोला जाता है, धारवाड़ ट्रैप। थर्ड क्या होता है, द कुड़प्पा सिस्टम। ठीक है, कुड़प्पा सिस्टम और पुराना ग्रुप, इसको पुराना ग्रुप के नाम से जाना जाता है और कुड़प्पा सिस्टम भी बोला जाता है। आगे द विंध्य सिस्टम, विंध्य सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विंध्य सिस्टम क्या है। गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ेंगे, गोंडवाना फॉर्मेशन भारत में कहां कहां पे, कौन कौन से जगह पे लैंड है। डेक्कन ट्रैप देख लेंगे, दक्कन ट्रैप देख लेंगे। ठीक है, तो ये 6 रॉक्स हमको इंडिया के बारे में समझना है कि इनमें कहां कहां पे। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए ये जो मैप है, ये जो मैं मैप यहां पे बनाता हूं, तो मैं कुछ ही लिमिट्स पॉइंट्स को यहां पे ले सकता हूं। लिमिट्स पॉइंट मतलब जैसे कि मैं मैप में ये डायग्राम बना रहा हूं, तो जहां जहां पे मैंने बनाई है वहीं पे वो एस्टैब्लिश नहीं है, उसके अदर भी बहुत सारे जगहों पे वो रॉक्स पाए जाते हैं। अगर हम बहुत डीप में जाना चाहते हैं, तो अगर हम डीप में जाना चाहते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डीप में जानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये जो चीजें मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये बहुत कम होते हैं, लिमिटेड सोर्सेस होते हैं। क्यों मैं इसमें, बट मैं बोलता पूरा हूँ, अभी मैं आपको देखना, आप मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको इन सारी चीजों को बताऊंगा कि ये सारे रॉक्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ना कि इस मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इतने जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि ये जो रॉक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये भारत में कौन कौन से जगहों पे पाए जाते हैं, इनके अलग अलग मैप्स हैं, इनके अलग अलग मैप्स हैं, और वो अलग अलग मैप्स मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। ठीक है, हर एक का मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और उनके मैप्स बना बना के आपको पोस्ट करूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिधर टेलीग्राम पे मैं अलग अलग नोट्स, मैं मेमोरी ट्रेनिंग के नोट्स भी वहां पे डालने वाला हूँ। तो मेमोरी ट्रेनिंग के जितने भी नोट्स होंगे, क्योंकि मेमोरी ट्रेनिंग के क्लासेस के पूरे मैं वहां पे लेक्चर्स में नहीं बता सकता, बट नोट्स में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर ढंग से लिखा रहेगा, तो आप वहां पे नोट्स लेने के लिए मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके वहां पे क्लिक करिए, सीधा का सीधा आप कहां पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम पे, और मुझसे वहां पे जुड़ जाइए। उसके बाद मैं इसके नोट्स भी आपको दूंगा ज्योग्राफी के, प्लस मेमोरी ट्रेनिंग के भी नोट्स और हिस्ट्री के भी नोट्स मैं आपको अवेलेबल वहां पे करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप ये समझ गए। चलिए, तो अभी 6 रॉक्स जो हमारे इंडिया में दिए गए हैं, ठीक है, 6 चट्टाने जो भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी खासियत क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या, आर्कियन फॉर्मेशन, जिसको आर्कियन चट्टाने बोलते हैं, या फिर प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, मैं लिखा इंग्लिश में हूं,
नाम तो हिंदी में भी वही होगा, ठीक है, रेड भी हिंदी में कर रहा हूं मैं और हिंदी में उसको समझा भी रहा हूं क्या है, तो आप दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हो इसमें, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। चलिए तो आर्कियन फॉर्मेशन, आर्कियन फॉर्मेशन ये सबसे पुराना पहला पॉइंट रहेगा कि आर्कियन फॉर्मेशन ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं भारत में। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन फॉर्मेशन चट्टानें हैं, ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे पहले चट्टानें, जो पहले चट्टानें भारत में, जब पहले भारत एक पूरा लावा था, मतलब यहाँ पे हर जगह पे जब पूरे इंडिया का फॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय भी ये पूरा का पूरा कौन सा चट्टानें थी? आर्कियन फॉर्मेशन की चट्टानें थी। तो सबसे पुरानी चट्टानें और सबसे पहली चट्टानें हैं ये, ठीक है, आर्कियन फॉर्मेशन, समझ गया। तो आर्कियन फॉर्मेशन इतना ही था, और क्या कर सकते हैं? हाँ, आर्कियन फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियन फॉर्मेशन या 2/3 मतलब 2/3 का पूरे पेनिनसुला पार्ट का, मतलब आप मान सकते हो कि 80-85% जो है पूरा का पूरा क्या है? आर्कियन फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आर्कियन फॉर्मेशन हमारा पेनिनसुला पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसके ऊपर ये सारे रॉक्स आके यहाँ पे रुके हुए हैं, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आर्कियन फॉर्मेशन इतना हो गया, और आर्कियन फॉर्मेशन फैला कहाँ कहाँ पे? आर्कियन फॉर्मेशन हमारे पश्चिमी तट पे भी है, पूर्वी तट पे भी है, हिमालयस, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, लेजर हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कोने जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी आपको आर्कियन फॉर्मेशन की चट्टाने देखने को मिलती है। मेघालय शिलांग के पठार पे भी, आपको शिलांग पठार के नजदीक में भी आप जाओगे तो आपको वहां पे भी आर्कियन फॉर्मेशन की चट्टाने देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे राजस्थान गुजरात की साइड पे भी आप चले जाओगे तो आपको आर्कियन फॉर्मेशन की चट्टाने वहां पे मिलती है, ठीक है, आर्कियन चट्टाने वहां पे भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? आर्कियन फॉर्मेशन की। आर्कियन फॉर्मेशन में इतने ही पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, और इनकी कुछ खासियत नहीं है। सेकंड हम पढ़ेंगे क्या? धारवाड़ चट्टाने, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम क्या है? धारवाड़ ट्रैक, ठीक है, धारवाड़ चट्टाने, यह एक समृद्ध, भारत में बोला जाता है ये समृद्ध चट्टाने है। समृद्ध चट्टाने इसलिए बोला जाता है क्योंकि धारवाड़ की चट्टानों पे बहुत अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टानों पे, इतने सारे इनके नाम पहले धारवाड़ क्यों है आप ये समझ लीजिए। धारवाड़, इनका नाम धारवाड़ी क्यों है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कर्नाटक है। एक मिनट में पहले ये मैप में आपको सब बता देता हूँ कौन कहाँ पे। ये हमारा महाराष्ट्र है, कुछ भाग गुजरात का है, कुछ भाग एमपी का है। ये हमारा विंध्य पर्वत है, ये हमारा क्या है? विंध्य पर्वत। ये क्या है? ये हमारा विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत। और ये हमारा अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज यहां से यहां तक है, बट मैंने इसको बनाया ऐसे। मैंने बोला ना मैप में इतनी अच्छे से बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अरावली है, विंध्य रेंज है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तीन नदियों की घाटियां बह रही है यहाँ पे, तीन नदियों की घाटी है। ये दामोदर है, ठीक है, और ये महानदी और ये गोदावरी, तो ये तीन नदियों की घाटी यहाँ पे है, और ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। तो हम क्या पढ़े? धारवाड़ चट्टाने। धारवाड़ चट्टाने कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे सबसे पहले पाई गई थी। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जिला है, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ करके, वहां पे ये धारवाड़ की चट्टाने सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ बोला जाता है, धारवाड़, ठीक है। आगे, धारवाड़ की चट्टाने छोटा नागपुर के पठार, धारवाड़ की चट्टाने छोटा नागपुर पठार हमारा यहाँ पे है, उसके अगल बगल भी आप जाओगे तो आपको वहां पे धारवाड़ की चट्टाने बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप जाओगे तो छोटा नागपुर के पठार, यहाँ पे राजमहल हिल पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे धारवाड़ की चट्टाने देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? धारवाड़ की चट्टाने यह भारत की सबसे समृद्ध चट्टाने है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? आयरन पाया जाता है, मैंगनीज पाई जाती है, ठीक है, जस्ता पाया जाता है, टीन पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, यहाँ पे बहुत अधिक चीजें पाई जाती है, ठीक है, टंगस्टन पाया जाता है। तो ये सारे मिनरल्स है, ये मिनरल्स मैं अलग लेक्चर भी लूंगा कि भारत में हर जगह पे मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बट अभी हम थोड़े से पॉइंट बना रहे हैं कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा धारवाड़ चट्टानों के बारे में लिखिए ऐसा पूछ दिया तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि धारवाड़ चट्टाने कर्नाटक में धारवाड़ जिले में सबसे पहले खोज हुई थी, पाई गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ होता है, ठीक है। और धारवाड़ या छोटा नागपुर के पठार के अगल बगल में भी पाए जाते हैं, कुछ झारखंड और यहाँ पे भी पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ पे भी नजदीक में लिमिटेड पाए जाते हैं, ठीक है। धारवाड़ चट्टाने यह भारत की सबसे समृद्ध चट्टाने हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके नाम आप लिख देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें लिख देंगे, मैग्नीज मिनरल्स जो भी सारी चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? धारवाड़ चट्टानों की, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप धारवाड़ चट्टानों पे? धारवाड़ चट्टाने कहां पे है? ये कर्नाटक के धारवाड़। तो अगला पॉइंट आप देखिए, धारवाड़ की कर्नाटक में ही दो चीजें हैं, ठीक है। कर्नाटक में क्या है? डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में देखो कोलार एंड हट्टी, ठीक है, कोलार एंड हट्टी, यह दो गुफे हैं। यहाँ पे हमको क्या पाए जाते हैं? सोने पाए जाते हैं, सोना, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भारत में। अगर पूछा जाता है कि गोल्ड कहाँ पे मिलता है, तो भारत में और कहीं पे भी गोल्ड नहीं पाया जाता है, सिर्फ कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक कोलार एंड हट्टी पे ही पाए जाते हैं। यह वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट मतलब डीप में गोल्ड पाया जाता है, और भी वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे इतनी डीप में गोल्ड पाया जाता है जैसे कि हमारे भारत में, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में गोल्ड पाया जाता है। एग्जाम में वो नहीं पूछता है कि कितना डीप है, ठीक है, कि ऐसा ऑप्शन दे देंगे, बताओ 2 किलोमीटर है, 3.5 है, 4 है, 5, ऐसा क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये पूछ लिया कि वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइनिंग कहाँ पे है, तो आपको कहाँ पे बताना है? कर्नाटक के हट्टी में और कोलार में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए किसके? दक्कन पठार के, सॉरी धारवाड़ सिस्टम के। अब इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? द कुड़प्पा, ठीक है, कुड़प्पा सिस्टम। कुड़प्पा सिस्टम को हम पुराना नाम, पुराना ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, कुड़प्पा सिस्टम, ठीक है। कुड़प्पा, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, कुड़प्पा यह आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट से पाया जाता है, मतलब सबसे पहले जो खोज हुई थी, जो मिला था, यह कुड़प्पा चट्टान है। ये कहां पे थी चट्टाने? अलग अलग इनके नाम नहीं है, ये कुड़प्पा चट्टान है और फिर धारवाड़ चट्टान है, विंध्य सिस्टम चट्टान है, ये सब नाम नहीं है उनके, क्योंकि भारत में हर जगह पे अलग अलग चट्टाने हर जगहों पे पाए जाते हैं, तो जिस जगह पे पहले पाए जाते हैं उनके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो कुड़प्पा सिस्टम, कुड़प्पा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तो उनको कुड़प्पा चट्टाने बोली जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो कुड़प्पा चट्टाने कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए उनको कुड़प्पा चट्टाने बोली जाती है। और यह कुड़प्पा चट्टाने, अगला पॉइंट लिखेंगे, कुड़प्पा चट्टाने छत्तीसगढ़ राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्थान और फिर लेजर हिमालय, लेजर हिमालय यहाँ पे राजस्थान, लेजर हिमालय के नजदीक और झारखंड और यहाँ पे, इन जगहों पे कुड़प्पा सिस्टम, कुड़प्पा चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। तो आप इतना लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे माइनिंग होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे माइनिंग्स होते हैं, जैसे लाइमस्टोन यहीं पे पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता बट पाया जाते हैं, लाइमस्टोन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, तो ये सभी चीजें यहाँ पे लगभग पाई जाती है। मतलब अगर बोला जाए भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये भाग नहीं है वो, मतलब मिनरल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं, खनिज यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो मैं बताया आपको कि आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स छोटे छोटे बना के समझना है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा, मिनरल्स जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, खनिज के बारे में जब पढ़ाऊंगा, तब मैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें, खनिज कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं चट्टाने पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे 4 से 5 पॉइंट आने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो कुड़प्पा सिस्टम बस इतना ही था, आगे चलते हैं विंध्य सिस्टम। विंध्य सिस्टम कहाँ पे है? विंध्य सिस्टम आप यहाँ पे देखते हो गुजरात में, सॉरी विंध्य सिस्टम यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। मैंने आपको इसको बताया था, इसके दो नाम होते थे, एक भांडेर था, दूसरा क्या था आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, एक भांडेर था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विंध्य रेंज है, ठीक है। विंध्य रेंज की लंबाई कितनी है? 1066 स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया इसने लिया हुआ है। तो विंध्य रेंज, विंध्य सिस्टम, इसके विंध्य पर्वत के नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। मैंने वही बात बताई आपको कि विंध्य रेंज के पर्वत के हिसाब से ही उसका नाम रख दिया गया। वहां पे चट्टाने अलग पाए गए पूरे भारत में, कहाँ पे पाए गए? विंध्य पर्वत, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? विंध्य, ठीक है। तो विंध्य सिस्टम यह बहुत ही प्रमुख चट्टाने होती है, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख चट्टाने होती है। इनकी चट्टाने कौन कौन सी चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है? संगमरमर जैसी चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है। कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती है? संगमरमर जैसी चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है। और जो मंदिरें बनाई जाती हैं, जो स्तूपे गौतम बुद्ध के स्तूप बनाए जाते हैं, मंदिरें बनाई जाती हैं, लाल किले बनाए जाते हैं, ये सब
इन्हीं के चट्टानों से बनाए जाते हैं, इनको रेड सॉइल भी बोला जाता है। रेड सॉइल सबसे ज्यादा मतलब रेड चट्टान, जो लाल कलर की चट्टानें होती है, संगमरमर सफेद चट्टानें, वो सबकी सब विंध्य रेंज सिस्टम पे ही पाई जाती है। जो हमारा ताजमहल है, ताज होटल है, ये सब ज्यादातर संगमरमर की चट्टानों से बनी हुई है। तो वहां पे अगर संगमरमर की चट्टानें अगर लगती हैं तो वो कहाँ पाई जाती है, ज्यादातर विंध्य सिस्टम पे। रेड किला हो गया, लाल किला, ठीक है, उसके बाद स्तूप हो गया, मंदिरें हो गई, मस्जिदें हो गई। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो हमारे धार्मिक स्थल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको किस चट्टानों से बनाई जाती है, विंध्य सिस्टम की चट्टाने से, जबकि संगमरमर की चट्टाने होती है या तो रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में, विंध्य के बारे में, ठीक है। और विंध्य रेंज यहीं पे मध्य प्रदेश में पन्ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना करके जगह का नाम है, पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना और गोलकुंडा पे हीरो की खदान पाई जाती है। भारत में मात्र दो ऐसी जगह है जहां पे हीरो की खदान होती है, हीरे पाए जाते हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश में पन्ना और गोलकुंडा, ठीक है, पन्ना और गोलकुंडा ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पे मध्य प्रदेश में हीरो की खदान होती है। तो ये भी विंध्य रेंज के रेंज में ही आती है, तो आप इसको उसके पॉइंट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं गोंडवाना फॉर्मेशन, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा धारवाड़ सिस्टम के बारे में, धारवाड़ ट्राइब के थोड़े से पॉइंट छूट गए थे। धारवाड़ सिस्टम मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, धारवाड़ जगहों पे, इसलिए धारवाड़, धारवाड़ और दो तीन डिस्ट्रिक्ट और है जहां पे ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, धारवाड़, बेल्लोर और एक बेल्लोर है, हाँ, बेलारी और सीमोर, ठीक है, क्या है, बेलारी और सीमोर, बेलारी और सीमोर, ये दोनों तीनों तीन जगहों पे, कहाँ कहाँ पे, पहले तो धारवाड़, फिर बेलारी और सीमोर, कर्नाटक, कर्नाटक में ही स्टैब्लिश है तीनों, और यहाँ तक ये चट्टाने पाई जाती है। इनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है, इनका एक्सटेंशन जो है यहाँ पे आप देखते हो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत मैंने आपको बताया था, नीलगिरी पर्वत बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने नीलगिरी पर्वत नहीं पता आपको तो आप पहले पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, इसका एक्सटेंशन जो है नीलगिरी पर्वत तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीलगिरी पर्वत, थोड़ा सा कर्नाटक में चला गया है, ठीक है, इस तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक में, और फिर नीलगिरी तक इसका रेंज बोला जाता है, ठीक है। आइए तो हम गोंडवाना लैंड पढ़ रहे थे, गोंडवाना फॉर्मेशन, गोंडवाना फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो गोंडवाना लैंड कहाँ पे है, यहाँ पे तो कुड़प्पा हो गया, ये विंध्य हो गया, ये अरावली हो गया, ठीक है, अब ये कर्नाटक हो गया, ये है हमारा दक्कन ट्राइब है, ठीक है, ये क्या है हमारा दक्कन ट्राइब, ये क्या है हमारा गोंडवाना लैंड। तो आप पॉइंट लिखेंगे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना चट्टान है, यह नदियों के घाटी में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर नदियों के घाटी में पाए जाते हैं। भारत में 85% कोयला जो है इन्हीं घाटियों से पाए जाते हैं, मतलब गोंडवाना लैंड से ही पाए जाते हैं। भारत में 85% जो कोयल होते हैं, कोयला होता है, ठीक है, कोल होता है, वो माइनिंग कहाँ से की जाती है, इन्हीं घाटियों से की जाती है, नदियों के घाटियों में से ही की जाती है। और वो कौन से लैंड होते हैं, गोंडवाना फॉर्मेशन, गोंडवाना चट्टाने होती है, कौन सी चट्टाने, गोंडवाना रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे फ्लो करती है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नदियों, रिवर के घाटियों में पाए जाते हैं, क्योंकि रिवर वहीं पे फ्लो कर रही है, गोंडवाना लैंड पे ही फ्लो कर रही है, ठीक है। वैसे तो गोंडवाना लैंड का अगर भाग बोला जाए तो वो तो पूरा ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है, क्यों, क्योंकि जब हमारा इंडिया, ये तो हमारा न्यू है, ये पूरा का पूरा हिमालय जो था वो प्रायद्वीपीय पठार से क्या है, न्यू है, अगर इसके रेंज में इसकी बात की जाए तो ये क्या है, न्यू है, बट ये क्या है, ओल्ड है ना, क्यों, क्योंकि ये अफ्रीका से पहले जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से ब्रेक होकर सीधा सीधा आगे कहां से टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया और ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग बन गया, ठीक है, ये हमारा न्यू फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने प्लेन मैदानी प्रदेश देखा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ही इन सारे छोटे छोटे रॉक्स को बोला जाता है, ये प्रायद्वीपीय रॉक्स है, बट अधिकतर बोला जाए तो गोंडवाना लैंड, यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो नदियों की घाटी में बैठते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो ये नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये दामोदर नदी है, ये महानदी है, ये गोदावरी। तो आप लिखेंगे कि जो कोयला है यह महानदी
दामोदर महानदी और गोदावरी के घाटियों में अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत का 85% कोयला कहाँ से पाया जाता है, इन्हीं घाटियों के घाटियों से पाया जाता है, या फिर गोंडवाना लैंड से ही 85% जो कोयला होता है मिलता है, ठीक है। तो आप गोंडवाना के बारे में इतना लिख लेंगे, बाकी गोंडवाना के बारे में और कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। और कोयले के बारे में आप लिख सकते हो कि भारत में दो टाइप्स के कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है बिटुमिनस और दूसरा क्या है एंथ्रेसाइट, ठीक है। पहला है बिटुमिनस और दूसरा है एंथ्रोसाइट। जो बिटुमिनस है, ठीक है, बिटुमिनस है, ये अधिकतर यहाँ पे पाए जाते हैं। कोयले दो टाइप्स के होते हैं हमारे यहाँ पे, एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस। ये भी मैं चीजें वापस से रिपीट करूंगा जब मैं कोयले पढ़ाऊंगा, अच्छे से खनिज पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, बट अभी रॉक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। बिटुमिनस जो है वो सेकेंड क्वालिटी ऑफ कोयला है, ठीक है, कोयला है सेकेंड क्वालिटी, ये फर्स्ट क्वालिटी है। एंथ्रेसाइट क्या है, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोयला है, और ये बिटुमिनस क्या है, सेकेंड क्वालिटी ऑफ कोयला है। तो हमारे जो यहाँ पे घाटियों में नदियों में जो बहती है, जो हाँ गोंडवाना लैंड पे, ठीक है, ये कौन से कोयले पाए जाते हैं यहाँ पे, बिटुमिनस, ना कि एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट अलग जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप्स के कोयले पाए जाते हैं, बट अधिकतर कौन से मिलते हैं, बिटुमिनस टाइप्स के कोयले इन घाटियों में अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सेकेंड नंबर ऑफ क्वालिटी कोयला होती है, फर्स्ट नंबर पे एंथ्रेसाइट है। तो एंथ्रेसाइट कहाँ पाए जाते हैं, जब मैं माइनिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, डेक्कन ट्रैप। अगला क्या है, डेक्कन ट्रैप या दक्कन भी बोलते हैं इसको, ये ट्रैप है हमारा, ठीक है। अब दक्कन ट्रैप के बारे में क्या लिखें, दक्कन ट्रैप यह है कहां कहां पे एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन महाराष्ट्र में है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। अधिकतर भाग इसका महाराष्ट्र में है और कुछ भाग ये फैलते हुए गुजरात में तथा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। दक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन कैसे हुई है, पश्चिमी घाट पहले कहां से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, मैंने बताया वहां से ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये जो भाग मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था, ये हमारा पश्चिमी घाट था और ये हमारा पूर्वी घाट था, ठीक है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो आपने देखा था ये बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या था, ढलान था, तीव्र ढलान था, बट यहाँ पे क्या था, ऐसा था। तो ये भाग किससे अलग हुआ था, अफ्रीका से अलग हुआ था। पहले पूरा का पूरा भाग पैंजिया था, पैंजिया दो भाग में डिवाइड होता है, एक अंगोला और दूसरा गोंडवाना। गोंडवाना लैंड नीचे आता है, उन्हीं गोंडवाना लैंड में से बहुत सारे ब्रेक होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया बनता है, दक्षिणी अमेरिका बनता है, अफ्रीका बनता है। तो अफ्रीका के जस्ट निचले भाग से हमारा इंडिया अलग होता है और इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो करता है और जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो ये जो भाग है ये कहां से, अफ्रीका से टूट के ऐसा अलग हुआ और इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट किया। तो ये भाग जो था एकदम छीर्ण हो गया, छीर्ण मतलब अब ये दोनों ऐसा कुछ पैक है, ठीक है, ये पैक है। अगर मैं इसको ऐसा खोलूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना गैप बन जाता है। और आपको पता है कि हमारा इंटीरियर भाग जो है अर्थ का वो बहुत ज्यादा हीट है। लावा किस तरह से, हम बात कर रहे थे बेसाल्ट चट्टानों की, ठीक है, कौन सी चट्टानों की, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये भाग पहले कहां से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से ये कुछ समय के बाद वहां से क्या होता है, ब्रेक होता है। जब कोई चीज ब्रेक होती है, जैसे कि अभी एक पेज ले लो, ठीक है, कोई मोटा चीज ले लो और उसको ऐसा ब्रेक करो, तो आप देखेंगे कि एक साइड दोनों साइड पे आपको बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है, लंबाई उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर बहुत ज्यादा हीट है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो हीट होता है तो जिसके वजह से क्या होता है, लावा बनता है, हीट हुआ, ठीक है, जो भी वो चट्टाने रहती है वो चट्टाने अंदर जाती है, हीट होता है, प्रेशर पड़ता है और वो लावा के रूप में बाहर आती है। कब आती है, जब वो एक दूसरे से चट्टाने दूर होती है, तब चट्टाने जब नजदीक में आती है तो वो माउंटेन का रूप लेती है, और जब चट्टाने दूसरे से दूर जाती है तो वो लावा का मतलब ज्वालामुखी का रूप लेती है। और जब चट्टाने वापस से सुनिए, जब चट्टाने दूसरे से नजदीक आती है तब भूकंप का रूप होता है। क्यों, क्योंकि चट्टाने दूसरे से लड़ती है तो भूकंप होने की आशंका ज्यादा होती है। जब चट्टाने दूसरे से दूर होती है तब ज्वालामुखी की आशंका ज्यादा होती है, ज्वालामुखी आने की। तो जब ये अफ्रीका से अलग हुआ था, जब ये भारत अफ्रीका से इस तरह से अलग हुआ था तब ये जो भाग था अधिकतर लंबाई इसकी बच गई थी, मतलब इसकी लंबाई जो थी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे वाटर भी मिल गया उसको और कुछ चट्टाने भी अंदर इंटीरियर की तरफ चली गई,
और वो लावा के रूप में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, किस तरफ आती है? ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी क्या हो चुका था, कम हो गया था। जब प्रेशर कम हुआ तो लावा ऊपर की तरफ आया और पूरा का पूरा कहां पे बस गया? महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं दक्खन का पठार। ठीक है, दक्खन ट्रैप, दक्खन ट्रैप इसी को बोलते हैं। और जब वो लावा ऊपर की तरफ आया, ऊपर रुका और स्टेबल हुआ, तो वो कुछ समय के बाद वहां पे क्या होता है, सूख जाता है। और सूखने के बाद वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? बेसाल चट्टान, उसको क्या बोलते हैं? बेसाल चट्टान, बेसाल चट्टान के रूप नाम पे जाना जाता है। इसका एक्सटेंशन कहां कहां पे था? महाराष्ट्र में अधिकतर भाग इसका, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। अधिकतर भाग इसका कहां पे है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और फिर गुजरात में। तो ये बेसाल चट्टाने यहाँ पे जब सूख जाती हैं तो कुछ नदियों के द्वारा इसको कट कर दिया जाता है। और जब यहाँ पे वर्षा होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? भीग के एक अनुकूल स्थिति में आ जाती है। और वो मिट्टी होती है काली मिट्टी। क्या बोलती है उसको? क्या बोलते हैं उनको? काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी खेती के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होती है, जिसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ब्लैक सॉइल, हिंदी में इसको काली मिट्टी बोलते हैं। ये काली मिट्टी अधिक बहुत ज्यादा अनुकूल होती है किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। यहाँ पे कपास की खेती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जहां जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है वहां वहां पे कपास की खेती होती है। अभी मैंने मिट्टी पढ़ाया नहीं है, जब मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा तो मिट्टी में भी मैं अच्छी सी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मिट्टी से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मिट्टी को अभी तक मैंने ड्रॉप आउट किया हुआ है। एक समय आएगा जब हम मिट्टी को कम से कम 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा मिट्टी कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन मिट्टी से बच ना पाए। तो ये हो गया दक्खन ट्रैप। तो आपको समझ गया रहेगा, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, बट फिर भी जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक ही पॉइंट बचता है कि ये मिनरल्स, अधिकतर मिनरल्स किसमें पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वही चीजें आपको पढ़नी है। वो जब मैं मिनरल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, खनिज उत्पादन पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ गए। तो आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि इसके मैप मैं आपको सेंड करूंगा, तो मैं मैप कहाँ पे सेंड करूं, इसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम पे वो सारे नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ज्योग्राफी के नोट्स, मेमोरी ट्रेनिंग के नोट्स, जो भी बताऊंगा मैं उनके नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स और इनके मैप्स। मैप्स मैंने बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि मैप समझा तभी हमको डिस्क्रिप्शन समझता है। तो यहाँ पे तो पूरा दिखाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं मैप की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वहां पे सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, मुझसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां पे क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। चलिए, तो ये बात हो गई रॉक्स की। इसके बाद का जो टॉपिक होगा भारत, या तो वनस्पतियां होगा या तो भारत की मिट्टियां, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।